नगर पंचायत चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जीत पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक दूसरे को गिराने के लिए विपक्षी दल का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला जा रहा है। इसी सिलसिलेवार में संत कबीर नगर जिले के दो अलग अलग नगर पंचायतों का है, जहां सपा बसपा और निर्दलीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशियों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मामला जिले के हरिहरपुर नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है, जहां के निर्दलीय प्रत्याशी के 5 समर्थकों के ऊपर 215 रुपए की लूट और मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं जिन समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया है, उन समर्थकों का आरोप है कि क्षेत्रीय भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान भाजपा प्रत्याशी बनवारी लाल को फायदा पहुंचाने की नियत से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कन्नौजिया की संभावित जीत से उत्साहित भाजपा विधायक सत्ता की हनक पर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मामला सर ये है कि हमारे यह नगर पंचायत में चुनाव चल रहा है, हमारे तरफ से निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र कन्नौजिया जी लड़ रहे हैं और भाजपा से बनवारी लाल जी लड़ रहे हैं। तो सर हम लोग का अंतर 190 नहीं 95 मान के चलिए कि हम लोग 95 ही रह गए हैं सर। तो उनके कहने पर जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है श्री राम चौहान जी के मतलब जो बनवारी लाल के कहने पर प्रत्याशी बनवारी लाल जी हैं, इनके कहने पर विधायक जी जो है ये इशारे पर मतलब जो है 5 लोगों का अर्जी मुकदमा दिखाया गया कि जो कि सर 215 रुपये का लूट है। हंसी आती है कि मैंने 215 रुपये का मुकदमा जो है 5 लोग लूटे हैं। यही सब राजनीति सर, राजनीति का ही मामला है। राजनीति में जो है हम लोग का प्रत्याशी जितेंद्र कन्नौजिया निर्दल है और लोग भाजपा है, तो सत्ता पक्ष का थोड़ा सा दुरुपयोग कर रहे हैं सर, और यही मामला है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप का दूसरा मामला नगर पंचायत क्षेत्र मेहंदावल से जुड़ा हुआ है, जहां के बसपा प्रत्याशी प्रमिला जायसवाल के पति व मौजूदा अध्यक्ष मोतीलाल जायसवाल ने भाजपा पर उस वक्त सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का आरोप लगाया जब उनकी प्रचार गाड़ी को उड़नदस्ता टीम ने सीज करने की कार्यवाही की। उनका आरोप है कि सत्ता के इशारे पर उनकी इस प्रचार वाहन को गलत तरीके से सीज किया गया, जिसकी परमिशन भी मिली थी। का परमिशन लिया था और गाड़ी के परमिट गाड़ी का उसी शीशे पे चिपका दिया गया। मैंने एक नुक्कड़ सभा का परमिशन लिया था, 4 बजे से 6 बजे तक वो सभा हुई, उसमें नायब तहसीलदार महोदय मौजूद थे, रिकॉर्डिंग की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी सभा का मेरे नुक्कड़ सभा का परमिशन था 6:30 से 8:30 बजे तक, 7:30 बजे चूँकि नमाज का टाइम हुआ 7:30 बजे ही हम लोगों ने कार्यक्रम जैसे ही बंद किया तो नायब तहसीलदार महोदय ने कहा आपकी गाड़ी थाने में ले चलिए, SDM साहब ने कहा सीज कर दीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं परमिशन लिया हूँ और सारा मामला SDM साहब के संज्ञान में, उनसे बता के ही परमिशन लिया गया था कि हमें ये गाड़ी से करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, SDM साहब से बात कर लीजिए। मैंने SDM महोदय को फ़ोन लगाया तो उनका बेल गया 2 बार, उठाए नहीं, उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। किसी से नहीं है, हाथी बहुत आगे निकल चुकी है, इसीलिए सत्ताधारी लोगों की ये बौखलाहट है कि हमको प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा। मेरे खुद के मकान पे बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगाया गया था, उन्होंने उतरवा दिया। मैंने कहा सर मैं प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी के अपने घर झंडा नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा नहीं आप झंडा उतार दीजिए, मैंने उतरवा दिया। ये सत्ताधारी पार्टी की बौखलाहट है, चूँकि वो चुनाव हार चुके हैं इसलिए जनता का दिल नहीं जीत पाए तो प्रशासन का दबाव बनवा रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और मंत्री जिस तरह से पद और गरिमा का ख्याल न रखते हुए भाजपा प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अनैतिक तरीका है। पूरे मामले पर ADM सत्येंद्र नाथ शुक्ल ने बताया कि प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, यदि कोई शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जनपद में कुल 4 नगर निकाय हैं, जिसमें नगर पालिका फरीदाबाद, नगर पंचायत मदहर, नगर पंचायत हरिहरपुर, नगर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराया जाएगा। आचार संहिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित है जो अपने गठबंधन से काम कर रहे हैं, जो भी नियुक्ता पाई जा रही है उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो रहे हैं सुसंगत धाराओं में, फिलहाल अभी पूरी कर रहे हैं। सब सारी संभावनाओं में रोल है।
अधिकारी निष्पक्ष होता है, सभी बाहर के अधिकारी हैं, कोई जनपद का निवासी नहीं है, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं से आपने सुना हो तो आपको बुरा लगा। संत कबीरनगर से अमित पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।